नहीं दुनिया हंस नहीं रही है, मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया के जो दिग्गज हैं, मियां खलीफा जैसे अभिनेत्रियां जो हैं, वो तो किसानों के साथ खड़ी हुई हैं। संवेदनशीलता तो मियां खलीफा के अंदर दिखता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे नेताओं को बात नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज, ये संवेदनशीलता की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में, जब यहाँ पे किसान आंदोलन उनसे 15 किलोमीटर की दूरी पे चल रही थी, तब तो वो गुजरात की जाके किसानों से बात कर रहे थे, देश के तथा कथित दूसरे जगहों पर जाके बात कर रहे थे, लेकिन आंदोलन वो स्थल के किसान लोगों नहीं से है, उन्होंने गुजरात के किसान कोई किसान वार्ता नहीं है, नहीं है बात क्या किसान, करें। लेकिन लेकिन कोई धरना प्रदर्शन के लिए सड़क पर आया हुआ है, कोई आपसे अरे मिलने ये के लिए टोपी जा रहा क्या है, कहा तो क्यों क्या सुनो, उनसे ये बातचीत टोपी नहीं क्या कीजिएगा? कहा क्यों मिश्रा कहा जी, हाँ महीने का समय हो चुका है, गुजरात दा के की कोई किसान बात बाद नहीं है। में तो राहुल लाल आपको जी दोनों टोपिया प्लीज दार शांत शुरू हो हो जाइए। जाएगा। हाँ हाँ है है ना ना जवाब, जवाब, जोश बोल ये कर आपने फेंक के कोई जा बात रहे की थे है इस, और गलत ढंग से हाँ प्रयास एटम हुए हैं वो। बम गिरा दिया गया था, नहीं एटम बिल्कुल रफाल वह फाइटर गलत जेट प्रयास हुआ है। इसीलिए नहीं देखिए, अब रफाल आप अगर फाइटर जेट आप इसीलिए पुलिस मंगवाया के था। सामने में मिश्रा जी कई आ जगह रहा हूँ, पुलिस ने बल पुलिस ने एक मिश्रा जी एक 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 बड़ा आरोप लग रहा है कि सरकार जो है संवेदनहीन है, संवेदनशीलता नहीं है। अरे जी, संवेदनशीलता की क्या परिभाषा आप लोग सर देंगे? एक आंदोलन जो है रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने किया था, सरकार उस वक्त भी थी तो दिल्ली पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई थी। आप क्या चाहते हैं कि उसी तरीके से संवेदनशीलता दिखाई जाए? मिश्रा जी तभी आप मान लीजिए जन आंदोलन आंदोलन में किसानों टेलीविजन जगत के बड़ी की बड़ी हस्ती है कि मिश्रा जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जानते हैं सारे टीवी चैनलों में अपनी बेबाक राय रखते हैं। मैं सबसे पहले एक मिश्रा जी आपके पास ही आता हूं, हम किसानों का सम्मान नहीं कर सकते तो किसानों का अपमान क्यों कर रहे हैं? हम अपमान नहीं कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, आप और आपके विद्वान पैनल को मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई एक मुहिम शुरू होती है, एक आंदोलन शुरू होता है, उसके पीछे आइडियोलॉजी होती है। किसानों ने भी जो आंदोलन शुरू किया था, ये मैं उनके फेवर की बात बोल रहा हूँ, उनकी आइडियोलॉजी बड़ी पवित्र थी, क्योंकि हमारे सामने ही शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है कि ये इतिहास की बात है। उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो बड़ी पवित्र थी। अब रही बात उस पवित्रता को मेंटेन करके रखना, किसान आंदोलनकारियों और उनके नेताओं की ये एक जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी। तो जब तक वो नैतिक जिम्मेदारी पूरा करते रहे या पूरा होता रहा, कोई अपमान नहीं हुआ, किसी ने उनको रोका नहीं। अगर अपमान होता, बल प्रयोग होता, तो शायद इतने लंबे समय तक किसान आंदोलन नहीं खिंचता। सवाल ये है, जब इम्प्योरिटी आने लगी, मिश्रा जी, मतलब देखिए आइडियोलॉजिकल, मैं नहीं सुन आज की लीजिए, डिबेट को हम थोड़ा आइडियोलॉजिकल फास्ट इम्प्योरिटी रखेंगे, आने आज की लगी। डिबेट को हम फास्ट रखेंगे। मिश्रा जी, आपने आपने जो बात कही कि किसानों को जब तक जिम्मेदारी निभाई तब तक उनका अपमान नहीं हुआ, बदनाम करने का इस प्रयास कर रही विषमता है। के बीच तो कुछ एक घटनाएं घटी हैं, छेड़खानी की घटनाएं घटी हैं या शराब पीने की घटनाएं घटी हैं, इवन एक लड़की से बलात्कार की भी घटना घटी है, इन्हीं गंभीरता के बीच घटी है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए जब बहुत बड़ा सा आंदोलन चल रहा है तो वैसे स्थिति में उसमें कुछ असामाजिक तत्व जा सकते हैं, ये पुलिस का काम होना चाहिए, सरकारों का काम होना चाहिए कि वो काफी तेजी से अरे उसमें पुलिस जांच को कर तो दे। आप घुसने नहीं और दे रहे हो, अरे मीडिया अरे बिल्कुल घुसने घुस नहीं आ पा रही रही है, है, आप घुसने नहीं दे रहे हो। मिश्रा मीडिया जी बिल्कुल कौन घुस कह पा रहा है रही है, घुसने आपसे नहीं बात दे रहा नहीं है, आराम से घुस रहा है और वो चैनल में जा रहे हैं, जो चैनल 24 घंटा बैठ के कठोर आलोचना कर रहे हैं, वो वहां पे भी माइक लेके जाके वो इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो जब चैनल चलिए पहुंच जा रहा चलिए है आप ये कह रहे जवाब हैं हम ले कि लेते पुलिस हैं ना राहुल पहुंचे। लाल जी, मिश्रा जी के से जवाब ले लेते हैं। राहुल लाल जी कह रहे हैं कि किसानों के बीच कुछ असामाजिक तत्वों की पैठ हो जाती है, वो उसके लिए पूरे आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए। मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने एक ही चीज बोला, अभी ये बोला गया कि जी सरकार बदनाम कर रही है, ये तो वैस वर्षा है। सरकार भी बोल रही है कि किसान लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारे बिल के अच्छी चीजों को नहीं समझ रहे हैं। मैं इन दोनों को जाने दीजिए, मैं ये बोलता हूँ किसान आंदोलन के अगर आप नेता हैं तो उसकी पवित्रता की जिम्मेदारी, मिश्रा जी ये नैतिक दोनों जिम्मेदारी बातें आपकी जाने देने होती है। योग्य नहीं है। मिश्रा जी आप कह अगर आप रहे हैं डिबेट कि करना चाहते किसान, हैं तो आप करिए, अगर आप सुनिए डिबेट डिबेट दोनों के लिए बातों हम में लोग करना खड़े हैं। चाहते हैं तो करिए। मिश्रा जी आप कह रहे हैं दोनों बातें जाने योग्य नहीं है, आपसे आपकी बातों से लगता है कि सरकार किसानों को बदनाम कर रही है और किसान भी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जब दोनों में राइवलरी है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है उस बिंदु पे तो हमने बात ही नहीं किया। ये किसान भी चलिए बोल रहे हैं काला कानून, मैं मैं बोल रहा हूँ परपीत बराड़ जी को जोड़ता हूँ, किस परपीत तत्व बराड़ पे जी, आप इसको काला कानून बोल रहे हैं? परपीत बराड़ हम तो बराड़ बोल जी, रहे हैं मिश्रा कि जी ये जो सारा ही भी कानून उसके लिए काला है। कानून है। एक मिनट ये राजेश आपके जी, कहने से थोड़ी है सर। ब्रिजेश जी बीच हाँ में अगर बोलेंगे ये ना तो सारा परपीत बराड़ जी, मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है स्पर्धा है सरकार और आंदोलनकारी के बीच,
आंदोलन क्या सरकार से स्पर्धा करने के लिए होती है, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए होती है, या कोई एम होता है आंदोलन का? मैं ऐसे भी हुई के पास। और लास्ट की जो बात थी उसमें इतना तनाव आ गया कि एक दूसरे के सामने बैठ के चाय भी नहीं पी रहे आपके पास। फिर आएंगे आपके पास मिश्रा जी। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि सरकार जो है संवेदनहीन है, संवेदनशीलता नहीं है। अरे संवेदनशीलता की क्या परिभाषा आप लोग सर देंगे? एक आंदोलन जो है रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने किया था, सरकार उस वक्त नहीं थी तो दिल्ली पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई थी। आप क्या चाहते हैं कि उसी तरीके से संवेदनशीलता दिखाई जाए? आंदोलन ब्रिजेश भाटी जी, मिश्रा जी कह रहे हैं एक मिनट, मिश्रा जी लाठी भी चली है, डंडे भी चले हैं, आंसू गैस भी चली है, और सड़क भी चली है। मैं जवाब दूंगा, मैं लिखता हूं इनको, मैं बताऊंगा संवेदनशीलता कि सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए क्या किया, उसका जवाब दे दीजिए। सबित जी, आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए? आपके कहने का मतलब ये है कि अब मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। आपको बात करवा रही है सर, मुझे बताइए जरा। इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। ब्रिजेश भाटी जी, एके मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इस आंदोलन के साथ में तो संवेदनहीनता बरती नहीं गई, संवेदनहीनता तो पहले के आंदोलनों में बरती जाती थी। क्या इस बार लाठी नहीं चले, कि आंसू नहीं, कि गोले नहीं फेंके गए, कि कीले नहीं गाड़ी गई बॉर्डर पर, क्या नहीं हुआ आप बताएं ब्रिजेश भाटी जी। मिश्रा जी, 5 तारीख को इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा जो कानून आए थे, और उसी दिन से आंदोलन चालू है। और मैं आपको बता दूं, आप उन तस्वीरों को भूल गए जब पानी की बौछार है और जो सड़क तक खोदी गई। और एक महत्वपूर्ण बात जानकर आपको मैं बता दूं, आप उस तस्वीर को भूल गए जो लौनी का विधायक 200-300 आदमी ने लेकर डंडा लेकर मारने के लिए आया था, और दिल्ली पुलिस उसका संरक्षक कर रही थी। इससे बड़ी संवेदनशीलता क्या होगी बता दीजिए मुझे आप। जब रात को आंदोलन खत्म करने के लिए 300 गुंडे लेके और दिल्ली पुलिस के संरक्षक में आए और किसानों को पीट के उनकी पूरी योजनाएं बन गई। अगर उस दिन मीडिया का धन्यवाद करता हूं मैं आज चैनल के माध्यम से, द वोल्ट के माध्यम से, तो मीडिया का धन्यवाद है किसी तरह से दिखाया, लेकिन उस दिन किसानों की जान बचा दी, इस आंदोलन को जिंदा कर दिया। सरकार कुचलने का पूरा कुचलने की तैयारी थी, ये सरकार की, और इससे बड़ी संवेदनशीलता क्या होगी? उसी तरफ पुलिस खड़ी थी, सामने किसान मौजूद थे, लेकिन पुलिस और गुंडे मारपीट करने के लिए आ गए। और जवाब किसी के पास? पत्थर मारा जा रहा था। हाँ है ना जवाब, ये आपने कोई बात की है? एक मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इससे ज्यादा क्या होगा और बताइए। आपस में बात न करें, हम दर्शकों को संबोधित हो, हम आपस में बात न करें। मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, तो मिश्रा जी ये भी बताइए कि 470 किसानों की जान चली गई है, संवेदना का ट्वीट करने में सरकार के लोगों को क्यों शर्म आ रही है? देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे नेताओं को बात नहीं करना चाहिए। कील गाड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है किसानों को भी बचाना और जनता को भी बचाना। अगर यही किसानों का आंदोलन जिस हिसाब से ये धमकी दे रहे थे हम दिल्ली में घुसेंगे, तो दिल्ली के 1 करोड़ की जनता की आम दिल्ली में घुसना धमकी को भी देखना है। अरे सुनिए, घुसना धमकी होती है? अरे आप घुसेंगे तो ट्रैफिक और ये सब व्यवस्था, एम्बुलेंस वगैरह कितनी सारी जा रही है, एक तर्तीब से जाना चाहिए। आपने देखा था ना, एक बार सरकार ने छूट दी थी लाल किले में घुसने के लिए, किसानों का व्यवहार सामने आ गया, बस उठा के पलट दी उन्होंने। नैरेटिव सेट हुआ है, एक ताजा ट्वीट, बदतमीजी की भी हद होती है। सरकार किसानों को भी बचा रही थी और जनता को भी बचा रही थी। देखिए, किसानों का कहना है कि अगला धरना इन न्यूज चैनलों के ऑफिस मुख्यालयों पर होगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि किसान पढ़ाएंगे पत्रकारिता का पाठ, दिखाएंगे किसान एकता की ताकत, ये सारी चीजें चली हैं। एक ट्वीट जो किया गया था जो अब डिलीट हो चुका है, लेकिन उस ट्वीट में की ये भाषा थी। और उसके बाद देखिए प्रेम जी, जब ये आंदोलन 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ अग्रसर कर रहा था, उसी समय से इस आंदोलन को बदनाम और बल प्रयोग उसी समय से हो रहा था। एके मिश्रा जी कह रहे थे कि 2011 बाबा रामदेव का प्रकरण वो याद दिला रहे थे,
लेकिन उससे भी ज्यादा घातक रूप से इस पूरे किसान आंदोलन को जब वो पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा था तो उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास हुए हैं उस समय, और गलत ढंग से प्रयास हुए हैं। बम गिरा दिया गया था, नहीं बिल्कुल वह गलत प्रयास हुए हैं। नहीं देखिए, अब आप अगर आप पुलिस के सामने में कई जगह पुलिस ने कई बार बल प्रयोग किया, लेकिन जब मीडिया ने वो सवाल पूछा तो पुलिस उस बल प्रयोग से इनकार भी कर गई। राहुल लाल बिल्कुल बली था वो, और आप कह रहे आप कह रहे संवेदनशीलता। अगर इसका गणेश का कहना बिल्कुल सुन लीजिए संवेदनशील फिर आप बोलेंगे। मिश्रा जी बोलिए, संक्षेप में बोलिए, आप जवाब सिर्फ दीजिए राहुल लाल। आप जो बल प्रयोग की बात कर रहे हैं, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई गई हैं, इतिहास में देखिए रामदेव के साथ क्या हुआ था, आंदोलन सही था या गलत था, बल प्रयोग वो है। किसान अब जग चुका है, किसान जग चुका है, हिम्मत नहीं सरकारों की कि वो गोली और बंदूक चला लेते हैं। पहले पुलिस ने मार के भगा लिया, सुन लीजिए उन गुंडों को, किसानों की जान सुन तो लीजिए, मिश्रा जी सुन लीजिए, नहीं होती ना तो किसानों को ना जाने कितना नुकसान हो गया। उल्टा सुन लीजिए, सवाल को डांटे, पुलिस बता रही है किसानों के लिए लगी हुई है, आ गई है पुलिस। मिश्रा जी जवाब है कि नहीं, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। पहले देखिए सबसे पहला चीज, ये संवेदनशीलता की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में, जब यहाँ पे किसान आंदोलन उनसे 15 किलोमीटर की दूरी पे चल रही थी तब वो गुजरात की जाके किसानों से बात कर रहे थे, देश के तथा कथित दूसरे जगहों पे जाके बात कर रहे थे, लेकिन आंदोलन स्थल के अंदर कोई वार्ता नहीं है। नहीं है किसान, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन के लिए सड़क पर आया हुआ है, कोई आपसे मिलने के लिए जा रहा है, क्या उनसे बातचीत नहीं कीजिएगा? महीने का समय हो चुका है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले एक ही मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ, मिश्रा जी आप क्या बात करते हैं? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि आप इस बात को बोल रहे हैं कि वहाँ पे किसान नहीं है। किसान के लिए सबसे पहले आप ये बात समझिए कि ये जो केंद्र में बैठी सरकार है ना, ये किसानों की मांगे मानने वाली नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बिल वापस नहीं होंगे, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता आता है डिबेट पे बोलता है बिल वापस नहीं होंगे। भैया आप बुलाते क्यों, वहां पे ड्रामा क्यों करते हो? अगर आपने इस बात पे अड़े हो बिल ही वापस होंगे। दूसरा आप ये बात बताइए, आप वहां पे बोल रहे हैं किसान नहीं है, तो क्या वो दूध पीते बच्चे हैं जिसको लॉलीपॉप दे करके वहां में लोगों किसी ने बुला लिया कि आ जाओ भैया यहाँ पे बैठ जाओ? कोई आदमी इतना समय नहीं किसी के पास होता कि 6-6, 7-7, 8-8 महीने वहां पे जाके बैठ जाए। आप इस बात को, और दूसरा किसान ऐसी शांति वाली कौम है जो आराम से अपने खेतों में काम करती है। अगर इतने 70-70 साल वाले लोग बार बार 70 साल बोलते हैं, अगर 70 साल में पहली बार किसान सड़कों पे आके बैठा है ना, तो उसको कोई ना कोई तकलीफ हुई होगी, और जो तकलीफ हुई है वो खुल के आपके सामने हिंदुस्तान के ही दो प्रदेशों के मॉडल बता रहे हैं, एक बिहार का कंपैरिजन करके दे रहे हैं कि जो मॉडल आपकी केंद्र की सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है ये बिल के थ्रू, वही मॉडल तो आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार का किसान जिसके पास 4-5-6 एकड़ जमीन रहती है ना, तो वो पंजाब के आके मजदूरी करता है। वो इसलिए मजदूरी करता है क्योंकि उसकी पर मंथ की इनकम, पर ईयर की इनकम किसान के पंजाब के किसान से कम होती है, और यहाँ जिसके पास मजदूरी करता ये है। प्रपीत बरार जी कह रही हैं कि जिन कृषि नीतियों को लेकर के, जो मंडी सिस्टम को लेकर के पंजाब इतना आगे बढ़ा है, जिसने हरित क्रांति दी है, जिसने श्वेत क्रांति में योगदान किया है, देश की पर कैपिटा जो अनाज का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया है, उसी मॉडल को आज तहस नहस किया जा रहा है। ए के मिश्रा जी, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पॉइंट वाइज सबका जवाब देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी तक खेती किसानी में जितने काम हो गए वो सफिशियंट है। मैं मानता हूँ कि पंजाब के किसान आगे बढ़ गए हैं, यही सवाल उठता है कि दूसरे भाई उस वक्त भी केंद्र में और ये सब एक टाइम पे तो कांग्रेस की ही सरकारें थी, जब इतने दिनों से पंजाब में वो नीतियां बड़ी सक्सेसफुल हो रही थी तो दूसरे स्टेट में आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया पिछली सरकारों के द्वारा? एग्री इकोनॉमिक्स आप पढ़िए, इसको राजनीति से मत जोड़िए, क्योंकि आपने सवाल इंटेलेक्चुअल पूछा। चलिए आपका प्रश्न आया, इस विषय पर आया, देखिए पढ़ने पढ़ाने का तो हम सजेशन देते रहेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है मिश्रा जी, आप दूसरे पॉइंट पर आइए प्लीज। मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि जो ये बिल आया है इसका मूलभूत सिद्धांत ये है कि भाई आप मंडी में बेचो, कोई बाहर से आके आपसे खरीदे, कहीं से भी कोई खरीदे, आपको जहां पैसे मिले, ज्यादा मिले, अच्छे मिले, आप बेचो।
अगर मार्केट को ओपन किया जा रहा है। मिश्रा जी ये बातें अगर इतनी सरल होती, ये बातें इतनी सरल होती तो सुप्रीम कोर्ट को सरल अलग से समिति करने दीजिए तब ना, अलग से समिति बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये बोलिए कि कंसल्टेंसी आप इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, फिर हम रिजल्ट देखेंगे। अगर रिजल्ट फेवर में नहीं है तो तालियां लगवा करके आपने तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर दिया। फरवरी तक लागू ही था कानून, तो कोई है ही नहीं सर। इससे बढ़िया कानून इतने दिनों से मांग उठ रही है कि खेती किसानी को इंडस्ट्री जो है डिक्लेयर किया जाए। हम जब इंडस्ट्री मार्केट को क्लब किया जा रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन क्या है? राज जी कुछ बोलना चाहती है संक्षेप में, मैं राहुल लाल जी के पास जाऊंगा। जी मिश्रा जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ, जो किसान आपकी जानकारी के लिए कभी आप नेट पे जा आपके गवर्नमेंट के डाटा को सर्च करके देखिएगा, जो किसान मंडी में बेचने के लिए कितने परसेंट किसानों के पास क्या कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली होगा, आपको जानकारी क्या है? क्या आपको पता है हमारे कितने एमएसपी होने के बाद आप बता रहे हैं कि मंडी तक पहुंचने के लायक किसान नहीं हुआ है? मैम आपको पता है मंडी का रेशियो क्या है इंडिया में? ये आप कह रही केवल एक सिस्टम मंडी सिस्टम से पूरे किसानों की सेवा नहीं की जा सकती है। 60,000 मंडियां हैं पूरे इंडिया में, 60,000 किसान है। देखिए सब राहुल यहाँ मिश्रा जी के सवालों का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज वो कह रहे हैं मंडी व्यवस्था, ठीक है मैं मानता हूँ कि मंडियां कम है। जब ये सरकार आई थी तो सरकार में उस शुरुआत में 2014-15 में हमारे कृषि मंत्री ने कहा था उस समय कि देश में मंडियों की संख्या को बढ़ा के जो है उसको 60,000-70,000 किया जाएगा। आप वो काम करते ना जो आप कह रहे थे, जिसका किसान मांग भी कर रहे थे, मंडी व्यवस्था में कई कमी थी वो मांग कर रहे थे, लेकिन आप तो पूरा का पूरा काम ही ऐसा कर रहे थे कि आप नहीं चाहते कि वो मंडी व्यवस्था रहे और किसान जो है कि वो पूंजीपतियों के आगे झुके और वो उनके स्टोरेज का काम करे। तो ये तो चीजें आप देखिए स्पष्ट है कि आप किसानों के हित के नाम पे फिर किसी और का करना चाह रहे हैं, किसी और का हित कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आखिर आप पैसे किसी को, आप पैसे कैसे स्टोरेज नहीं होता है, आप कैसे दे रहे हैं? आपने काला बाजारी को अनुमति दे दी। देखिए आपके पास आज और चलिए आएगा स्टोरेज की फैसिलिटी, जिस किसान ने स्टोरेज की फैसिलिटी बनाया ना, बोल रही थी 2014 तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगातार अपना कैपेसिटी में वृद्धि कर रहा था। देख लीजिए आपने लगातार उसके कैपेसिटी में वृद्धि हो रही थी, लेकिन 2014 के बाद से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कमजोर क्यों बनाया गया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3,00,000 करोड़ के घाटे में क्यों चल रहा है? मिश्रा जी और राहुल जी दीप सिंधु इनका आदमी था और ये बात कर रहे थे ना अभी मिश्रा जी सिस्टम की, सिस्टम आंदोलन सरकार ने करवाया है। सुनो सिस्टम बीच मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए बीच प्लीज। मैं आपको बता दूं जो सिस्टम की आप बात कर रहे थे ना, आज सिस्टम की वजह से पूरे देश में आकार मच गया। इनकी सरकार ने किसानों को बदनाम करा, भगवान ने इनको ऐसा तमाचा मारा है भाजपा की सरकार के मुंह पे, इनका असली चेहरा दिखा दिया। ये लाशों के ऊपर से कपड़े उतरवा रहे हैं, ये ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए, खाली इनकी और इनकी जो तथाकथित मीडिया है। ब्रजेश भाटी जी मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग मुद्दे पर बने रहे। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अब किसानों की बात नहीं करेंगे आप, अब लाशों की बात करेंगे। हम आज आते हैं, हम लाशों की भी आपसे बात कर लेंगे। मिश्रा जी हम आपके ही पास आ रहे हैं, कपड़े तक उतरवा लिए आप लोगों ने। देखिए इस आंदोलन पर इतने सारे इल्जाम लग रहे हैं, कर लीजिए ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ मिश्रा जी, आपस में बात करेंगे, आपस में बात मत कीजिए, दर्शकों से बात करेंगे। आप करोगे सब कुछ, आपके लिए आंदोलन पर इतने आरोप लगे, को मॉडरेट करने दीजिए। हाँ बोलिए प्रेम कुमार, इतने आरोप आंदोलनकारियों पर लग रहे हैं और लेकिन सरकार एक्शन दिखाने की वजह खालिस्तान की फंडिंग आ रही है। अरे खालिस्तान की फंडिंग आ रही तो आप खाली टेलीविजन चैनल पर बोलेंगे कि उनको पकड़ेंगे भी, लेकिन नहीं, केवल बदनाम करना है कि खालिस्तानी समर्थन मिल रहा है। वो कौन उल्ला मुल्ला इधर उधर से नाम जोड़ करके कि विदेश से सपोर्ट मिल रहा है, इस तरह से बदनाम करेंगे। अरे आप एड्रेस क्यों नहीं करते? सरकार महोदय से मेरा कहना है कि आप एड्रेस नहीं करते। आपके देश में 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, दुनिया हंसेगी नहीं तो क्या? 6 महीने तक आंदोलन चलता है क्या? मिश्रा जी जवाब दीजिए। नहीं दुनिया हंस नहीं रही है, मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया के जो दिग्गज हैं मियां खलीफा जैसे
अभिनेत्रियां जो हैं वो तो किसानों के साथ खड़ी हुई हैं। संवेदनशीलता तो मियां खलीफा के अंदर दिखता है। सरकार को 14-14 बार बुलवा करके बात कर रही है, वो संवेदनहीन है। सरकार सरकार ने लाठियां नहीं चलवाई, गोलियां नहीं चलवाई, सम्मान दे रही है किसानों को। पूरी दिल्ली की जनता वो रास्ता खाली कर दिया कि ताकि किसानों को तकलीफ ना हो। हम 10 किलोमीटर दूसरा रास्ता लेकर के जाते हैं। यहाँ की जनता सम्मान दे रही है, यहाँ की जनता किसानों के। अरे ये किसान है, पूछ लो बैल की, जो सरकार लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकती उसको वो क्या हिफाजत करेगी? लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकी क्या? उन्होंने किसानों से ये दिखाया कि आओ लाल किले पर झंडा फहराओ, उन्होंने न्योता दिया था। अरे ये कौन सरकार ने बोला था झंडा फहराया? ये सरकार ने बोला था। दिल्ली पुलिस को रोका था कि नहीं था? आपने तो दिल्ली पुलिस को रोक पाई उसको? उसने कैसा नेतृत्व है किसानों का? मैं सवाल उठाता हूँ किसान आंदोलन के नेताओं पे, उनके नेतृत्व की कैपेसिटी पे। किसान आंदोलन के नेताओं को पाकिस्तान में नेतृत्व कर रहे हो तुम्हें? खतराई नेतृत्व से आंदोलन चलाने के लिए खतराई नेतृत्व से नेतृत्व सवाल उठा रहे हैं ये किसानों का? सबको पता लग गया तुम्हारा चेहरा नेता बन के? सवाल नहीं, किसान आंदोलन के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिनको 18 करोड़ लोगों मियां खलीफा को जो वेलकम कर रहे हैं, 80 किसान मर गए सर किसानों की गलती के, इन नेताओं की गलती के कारण ठंड से मर गए 70-80 किसान। 470 किसान मरे तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी गलती 470 किसान मरे। आप आकर झूठ और बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो आप चैनल पे? तुम लोग मीडिया को तुम जाने नहीं दोगे, झूठ को जाने नहीं दोगे, झूठ बोलते कौन सी मीडिया रोकी है? जाने नहीं दोगे जिस तरह से तुम्हारे बयान है ना, जिस तरह से तुम्हारे बयान है इसी तरह से मीडिया के बयान है। तुम जैसे दोगड़े लोगों की वजह से आज आंदोलन बदनाम है मिश्रा जी, और हर तरह बोलते हैं झूठ के ऊपर बोल रहे चैनल बैठ के। शरम आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शरम आनी चाहिए तुम्हें। धरना देंगे, होगा धरना, किसान नेताओं को आनी चाहिए। तुम जैसे दलालों को आनी चाहिए, तुम जैसे दलालों को, सरकार के दलालों को आनी चाहिए। तुम जैसे तुम दलाली करके सरकार से पैसे लेके या चैनल पे बैठ के दलाल हो, यही तो समस्या है ना। यहाँ झूठ बोलने के लिए तुम जैसे दलाल बेनकाब हो गए, बारीक कपड़े उतारे जाएंगे। रुक जाइए, रुकिए रुकिए, तुम लोग यहाँ बैठ गए झूठ बोलने के लिए। मैंने दोनों को म्यूट कर दिया है, आप दोनों एक दूसरे की ओर मुखातिब नहीं है। हम दर्शकों से बात कर रहे हैं, दर्शकों की जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, इस जो द्वंद्व है इसको सामने लाना चाहते हैं। मैं परपीत बराड़ जी के पास जाना चाहता हूं कि ये जो तकरार है, ये जो लड़ाई है, ये जो माइक म्यूट करना हो तो प्लीज मुझे मत बुलाया करें। नहीं 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 यार, मैं जब डिबेट में जब भी कंट्रोल होगा तो माइक म्यूट करना रास्ता हो जाता है। आवाज दबाने की कोशिश मत करिए। नहीं नहीं, मैंने दोनों की आवाज दबाने की कोशिश मत किया करिए। मैंने दोनों की आवाज दबाई है मिश्रा जी, दोनों की आवाज दबाई है। मैं दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज आपस में बात नहीं करेंगे। जाके गिड़गड़ाओ तुम नेता, प्लीज आपस में बात मत कीजिए। तुम्हारे रिश्तेदार होगी वो मियां खलीफा, हमारा कोई मतलब नहीं। जा करके बुला के लाओ, जाके उसकी गोद में बैठ, ये इस तरह से बातचीत नहीं होगी, इस तरीके से बातचीत नहीं होगी, इस तरीके से तुम बैठ जाओ उसके पल्लू में जाके बदतमीजी, इस तरीके से बातचीत नहीं होगी। मियां खलीफा को तो तुमने बुलाया है ना, तुम्हें जानकारी ज्यादा रख रहे हो उसकी। चरित्र दिख गया है आप लोग म्यूट से भी नहीं आंदोलन क्यों किया था आप पता चल गया है। कर रहा हूं, आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात इनको रोक लीजिए, इनको रोक लीजिए, प्रेम कुमार जी इनको समझाइए। नहीं नहीं, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं अपने आप को, निवेदन कर रहा हूं कि आपस में बात के नेता मत बनो। आप दर्शकों से लगनी शुरू है, बहुत बोल रहे हैं, अपने आप को समझते थे। तुम कौन हो के सिखाने वाले हमें? परपीत बराड़ जी के पास जाता हूं, दोनों शांत हो गए। बड़ा किसान हूं मैं, आप दोनों शांत दिख रहे हो, तुम्हारी मानसिकता दिख रही है कितने बड़े किसान। अरे तुम्हारा हमने कर्म देख लिया है,
मियां खलीफा से सपोर्ट लेने वाली कर रहा हूँ प्रपीत बरार जी, मैं आपके पास एक सब्जेक्ट रखा है, मियां खलीफा, मियां खलीफा क्या है, मियां खलीफा ये क्या तरीका है विजय जी? आप, मैं दोनों को कह रहा हूँ शांत हो जाइए। प्रपीत बरार जी आप बताइए, ये जो माहौल है यही माहौल पूरे देश में है सरकार और किसानों के बीच, कैसे डेडलॉक खत्म होगा? प्रपीत जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, जैसे आपने अभी सामने लाइव एग्जांपल देख ली, सरकार कहती है बिल वापस, एक नेता कहते हैं बिल वापस करेंगे, कोई मुद्दे की बात, कुछ ऑक्सीजन की बात होती है, कोरोना वैक्सीन की बात होती है, ये 70 साल की बात करते हैं, कुछ इनसे मांगा जाता है, इनके प्रधानमंत्री टीवी पे आके रो देते हैं, ये लोग ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं जा सकता, मुझे हमारे प्रधानमंत्री में शर्म आ रही है, बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री है, मैं भी उनको बहुत आदर करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात मिश्रा जी से ये पूछना चाह रही हूँ, मिश्रा जी आप मुझे लगता है मेरी उम्र बिल्कुल हमारे आदरणीय होंगे, लेकिन लेकिन आप एक छोटी सी बात बताइए, आपकी केंद्र की सरकार में आप लोगों में कुछ संवेदना बची है क्या? आप जीएसटी का एकदम से बिल आता है, आराम से बीमारियों का पूरा नाश हो जाता है, अनप्लांड आप लोग लॉकडाउन कर देते हैं, इतनी जाने चली जाती हैं, उसके बाद शाहीन बाग पे लोग शहीद हो जाते हैं, वहां पे आपको कुछ अभी रिसेंटली इतने लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, गंगा मैया का बेटा जो चिल्ला चिल्ला के कहता था, आप कह रही हैं कि सरकार हर हर मोर्चे पर फेल हो रही है। प्रपीत बरार जी आप कुल मिलाकर के कह रही हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल्योर है और किसान के मोर्चे पर भी है। मैं राहुल लाल जी बहुत देर से सब्र से सुन रहे हैं और जब कभी भी वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है और उनकी बात आ नहीं पाती है। राहुल लाल जी आप बताइए कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है, सरकार फेल्योर है कह रही है प्रपीत बरार जी, और ए के मिश्रा जी मानने को तैयार नहीं है कि सरकार की कोई गलती है, और ब्रजेश भाटी जी भी या सबित मलिक जी भी मानने को तैयार नहीं कि किसानों की कोई गलती है, तो गलती है किसकी? क्या इस देश से बाहर के लोगों की गलती है, विदेशी लोगों की गलती है? राहुल लाल जी देखिये, जो जो सत्ता पक्ष में है, जो जिम्मेवारी जिम्मेवार पदों पर बैठे हैं, उन्हीं को जिम्मेवारी लेनी होगी, और ये गलती उन्हीं की है। ठीक है, जो जिस कार्यक्रम का जो मूल मुद्दा था वो स्क्रीन पे हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया कि जिस तरह से ए के मिश्रा जी किसानों को किसान नेताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरह की स्थितियां इस देश में सरकार के तरफ से और मीडिया हाउसेस के तरफ से भी बनाई जा रही है। लगातार किसानों को जो है कि उनके ऊपर एक तरह से उनके शब्दावली जो प्रयोग मिश्रा जी कर रहे थे, जो अलग अलग चैनल कर रहे हैं, वो कुछ एकदम बिल्कुल मिलता हुआ सा स्क्रिप्ट ही था पूरा का पूरा। अरे कौन सी शब्दावली गलत प्रयोग की है? मैं पूरा कर ले रहा हूँ। देखिए, समस्या का समाधान देखिए वार्तालाप से निकलेगा, कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक देखिए किसानों का सम्मान नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है उन लोगों के नेतृत्व में अब तक इतना सावधानी से और इतना कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया है कि इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो उसको शांत रखना बड़ी चुनौती की स्थिति होती है, फिर भी एक अहिंसा के गांधीवादी नीतियों के आधार पर आंदोलन चल रहा है। जी के पास जाता हूं, पर मैं भी एक प्रश्न लेकर जाता हूं, इस आंदोलन ने केवल किसानों ने अपनी जानें दी हैं, किसी की जान ली नहीं है, अपनी जाने दी है। कोरोना का संक्रमण उन्होंने अपने ऊपर लिया है, अपने परिवारों में उनको फैलाना पड़ा है। ये नहीं है कि कोरोना से आपको या हमको डर नहीं लगता, लेकिन किसान फिर भी कोरोना का डर छोड़ करके आंदोलन कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी मिश्रा जी। मैं बता रहा हूँ क्या बात है ना प्रेम कुमार जी, सुनिए, किसान आंदोलन के नेताओं ने बोला कि कोरोना किसानों को देख के भाग जाता है। अब आप डिसाइड करो आपने क्या बोला और सही क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। शुरुआती दिनों की हम बात करें, देखिए 70 किसान जो मर गए ठंड के कारण, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण, 470 आंकड़े सही कर लीजिए। शुरुआत के दिनों में कितने मरे थे सर, जब पंजाब बॉर्डर पे सिंघू बॉर्डर पे शुरू हुआ था, पहले तो 70-80 मरे थे ना। आप अब मैं शुरू की बात कर रहा हूं, शुरुआत के दिन माने जाएंगे 470, ठीक है, वो 500 भी हो जाएंगे, 1000 भी हो जाएंगे अगर आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे।
मेरे कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, एसी टेंट आपने कर लिया, आपके पास ये दिमाग नहीं था कि एक हम डॉक्टर का भी कैंप लगा दें, इतने आदमियों को हम बुला रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे डॉक्टर का कैंप लगा हुआ है। अरे मिश्रा जी आप क्या कह रहे हैं समझते नहीं, शुरू के दिनों में सर डॉक्टर थे, आप गए हो देखा आपने, मास्क भी है सैनिटाइजर भी है डॉक्टर भी है। अरे जिनको घर में बैठना था उनको आंदोलन में बैठाया, 80 साल के बुजुर्गों को किसी ने नहीं बैठाया, सब पीड़ित है वो, कुछ तो नैतिकता ऐसा बोलना जी तुम भी आज देखिए, देश में जिसको बहुमत है उसकी बात नहीं मान रहे बुजुर्ग, और जिनको बहुमत नहीं है वो कुछ नेताओं की बात मान करके जान देने चले आएंगे। समित मलिक जी आप जवाब दीजिए। नहीं नहीं सवाल अगर आप किसान आंदोलन के उससे देखेंगे तो जो आंदोलन के लाइक माइंडेड लोग हैं तो उनका भी तो बहुमत है ही ना, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, दो धड़े हैं विचारों के, दोनों लोग कर रहे हैं। अरे बीजेपी को वोट नहीं दिया तो वोट नहीं दिया तो कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? अरे बीजेपी को वोट दिया है तो खरीद लिया है तो खालिस्तान बनोगे वोट दे करके? देखिए खालिस्तान खालिस्तान मिश्रा जी ब्लैकमेल करोगे, अब की बार देख लेना ब्लैकमेल करोगे, अब की बार देख लेना। अरे खालिस्तानी आप बल प्रयोग कीजिए मिश्रा जी, केवल बोलने से क्या होगा? गए तो थे मुख्यमंत्री बनने बंगाल में, किसान नेता मुख्यमंत्री बंगाल में बनने बन गए चौधरी। उत्तर प्रदेश में 3200 में 400 सीट आई है पंचायत में, तैयार रहना, भूल गई है भाटी जी, तैयार रहना, जितना की तुम जोड़ रहे हो करके भी नहीं ले आए हो मिलके। एक महिला से हार गया देश का प्रधानमंत्री, एक महिला से तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, एक महिला से हार गया। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ, मैं एके मिश्रा जी और ब्रिजेश भाटी जी दोनों को रोक रहा हूँ। चौधरी समीर जी मैं अब समापन करूंगा आपसे, लास्ट कमेंट जी, जी। हाँ प्रेम कुमार जी, माननीय मिश्रा जी अनुभवी हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक तरफा बात न करें, आरोप प्रत्यारोप मत करिएगा प्लीज। मैं भारत की जनता से यही पूछना चाहता हूँ कि जब कोई भी चीज भारत में बनाई जाती है वो MRP पे बिकती है, MRP का मतलब होता है जो एक निश्चित प्राइस उनको दिया जाता है, और हम मिनिमम मांग रहे हैं तो मिनिमम देने में जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कहते हैं MSP थी MSP है MSP रहेगी तो उसको कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? अगर कोई भी उसको खरीदता है तो उसे छोटा सा नियम बना दिया जाए कि उससे नीचे खरीदने वाले